kafile kifayetsiz muhterisine gizlerim. Biter gayrı. Analık hatırıma hürmetiniz varsa durun artık. Bizi ateşe attılar. Ölüm kalım eşiğinin en çetin noktasındayız. Hepinize mezar olacak. Bize zulmedenler kızıl tabuda! Savaş meydanına çıkacağız. şimdi sıra kanlı Bernard'ta. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई अदाकारा की जिसने सीरीज़ में कदम रखा है। ये किसका किरदार अदा करेगी, साथ ही बात करेंगे मलिक दौलत और सुल्तान नूरुद्दीन के दरमियान क्या जंग होगी, इसके साथ ही सलाहुद्दीन गजा को फतह करने में कामयाब हो जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नए किरदार की। नए किरदार के बारे में बात करें जिसकी एंट्री आने वाली एपिसोड में होगी। ऑन स्क्रीन अदाकारा बर्नार्ड की बहन का किरदार अदा करती नजर आएंगी। दोस्तों, अगर बात करें सलाहुद्दीन की गजा फतह करने की, पिछली किस्म में आपने सलाहुद्दीन को दमिश्क फतह करते हुए देखा और अब वो गजा को फतह करने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन इससे पहले एक बार गजा फतह करने निकले थे, लेकिन बर्नार्ड की वजह से इन्हें नाकामी का मुँह देखना पड़ा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगली एक या दो एक साथ में सलाहुद्दीन गजा को फतह कर लेंगे और हमारा ख्याल है कि इस दौरान बर्नार्ड मारा जाएगा और फिर सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा दुश्मन शहज़ादा अमरिक दाहल होगा और फिर शहज़ादा अमरिक और सलाहुद्दीन के दरमियान बहुत सी लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी। सुल्तान नूरुद्दीन और मलिक दौलत की बात करें तो मलिक दौलत का ख्याल है कि सुल्तान नूरुद्दीन ने इस पर हमला किया, इसलिए वह सुल्तान नूरुद्दीन की मुखालफत कर रहा है और सुल्तान नूरुद्दीन पर हमला करने की तैयारियों में मसरूफ़ है। सुल्तान सलाहुद्दीन और सलजुके के दरमियान छोटी सी लड़ाई हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई नहीं होगी। सुल्तान नूरुद्दीन इस मसले को जल्द हल करेंगे और स्लेबियो को मंसूबा जाहिर करेगा कि ये मंसूबा स्लेबियो ने बनाया था ताकि वो आपस में लड़ सकें और इस तरह ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।